कल रात में अचानक मुझे एक बात अभी तक दिल में बहुत चुभ रहा है, जो ये वीडियो के माध्यम से मैं वो अब लोग के पास शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि इतना मेहनत से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं पागल, कुछ भी कहीं पर भी बनाता है। मुझे ठीक है, चलेगा, आप कुछ भी बोलो। लाइक नहीं आता है, व्यूज नहीं आता है, क्योंकि अभी तक 2 साल हो गया ब्लॉग वीडियो बना के। कुछ हमारे घर वाले भी हमारा साथ नहीं देते हैं, वो भी बहुत नफरत करते हैं। जो हकीकत बात आज सामने बयां करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई लव माई ब्लॉग। बहुत से लोग बोलते हैं मोनेटाइजर हो गया, पैसा आ गया, इतना दिन से वीडियो बना रहे हो पैसा आ गया। मैं बस एक ही सवाल उनको कहता हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसे की लालच मेरे को नहीं है। मैं हर घर में मतलब का वीडियो चले बस यही काफ़ी है। बस अपना नाम फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है ये मतलब। और आप लोग बोलते हैं ना पागल, तो पागल ही सही, जिस नाम से आप बुलाना चाहते हैं बुला सकते हो, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं। और कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में भी झांके, आप जो बोल रहे हैं सही में आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, वो अपने आप में पहले अपने आप को देखो। किसी को बुरा भला कहने के पहले आप अपने अंदर झांके देखो, आप सही हो या गलत हो। तो मैं आज दिल में वो बात अभी भी चुभ रही है, तेरा फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ते, सब्सक्राइब क्यों नहीं बढ़ते और व्यूज इतना क्यों नहीं आता है। मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं यूट्यूब चैनल खोला था रमजान महीना 10 रोज़ा हुआ था, तभी मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। जब मेरे 0 सब्सक्राइब थे, 0, जब मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था। आज अब बहुत लोग के प्यार की वजह से, उनके हौसले की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जो खुल के बात कर रहा हूँ, वो भी बीच सड़क पे ब्लॉग बना रहा हूँ। एक टाइम हुआ करता था जब कैमरा के सामने मैं अपना मोबाइल ऑन करता था, तो मेरे को कुछ भी जो है सही से बोलने पे आता था, नहीं शर्माता था। तो कोई कभी कभी, तो हर इंसान जब कोशिश करता है ना, उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ, अपने मेहनत करते जाओ और नाम अपना चमकाते जाओ। बहुत बहुत ठोकर खाना पड़ेगा, अभी भी मेरा अंदर से अंदर बहुत जल रहा हूँ, फिर भी उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। पीछे को देख सकते हैं, गाड़ी भी जा रहा है, ट्रक आ रहा है, ये दिखाना चाहता हूँ। बीच सड़क पे यूट्यूब वीडियो बना था, यूट्यूब रास्ता में ब्लॉग बस आप देखते हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत बड़ी चीज़ नहीं है, प्यार मोहब्बत वो सबसे बड़ी चीज़ है। एक नंबर है वो तो मिस्त्री है, नहीं मरना भाई सबको एक दिन है, मरना हर इंसान को एक दिन है। लेकिन कुछ ऐसा करते जाओ जीते जी, लोग ये दुनिया के लिए एक चेहरा बना के जाओ। ताज क्या बनाया था, ताजमहल बनाया। अरे जब तक आप अंदर का आग बाहर को नहीं दिखाओगे, जब नहीं बोलोगे, ये चाहे वो ब्लॉग के सारे क्यों ना हो, ये ब्लॉग बन रहा है, लाइव ब्लॉग में आज के इधर और ये हमारे आज के समय में आज मोबाइल है, पहले के जमाने में क्या मोबाइल था, क्या नहीं कुछ नहीं। मैं किसके लिए मैं कर सकता हूँ, इसके लिए कर सकता हूँ, अपना पैर के लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसा होता था। ये जो मुमताज ताजमहल बनाया किसके लिए बनाया, एक नाम यहाँ रोशन करने के लिए, बस ये नाम रोशन है। बबलू बड़ा अच्छा है, आपका पहले नाम बता दीजिए। दर्शक अभी लाइव चल रहा है, लाइव वीडियो चल रहा है। हाँ, मैं तो धीरज बिहारी हूँ, मेरा तो सब आदमी जानते हैं।
नहीं ना, सब आदमी जानते हैं, जो आपके पास हैं वो जानते हैं, लेकिन ये जो वीडियो में चल रहा है ये सारा वाल में देखेंगे, सब इंसान आपको नहीं पहचानते। शुभ नाम, नाम बताओ आप। शुभ नाम है धीरज कुमार गुप्ता, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। आप कितना साल से जासपुर टाउन पे हो? जासपुर टाउन से 14 साल से मैं। 14 साल से मार्बल टाइल काम करता हूँ। ये हकीकत जो बया की ये अच्छा लगा जी। मेरे को सब पहचानते, ऐसा नहीं बोलने का जी। जब तक ये एक अल्लाह को वो सारा इंसान नहीं पहचान पाया, अभी भी बहुत लोग हैं तो हम इन तो मट्टी के पुतले हैं। बस क्या मट्टी पुतले हैं, मट्टी तले में चले जाते हैं। तो चलो बात है, मेरा वही कहना है, जो कौन कहता है कि हम मरेंगे नहीं, अमृत मरना सबको है रे भाई। एक दिन पीकाया नहीं, नहीं सबको, हमको भी जाना है एक दिन, सबको एक दिन जाना है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मैं भगवान बोलता हूँ, आप अल्लाह बोलते हैं, हाँ सबका, लेकिन मैं बोलता हूँ सब एक ही है अपना हिसाब से। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, किसी को हार्ट चौक हो जाता है, किसी को यहाँ पे बैठे बैठे जरा शॉर्टकट में लेंगे, जरा मेरे को मेडिकल जाना है। हाँ, लेकिन भाई से भी एक परिचय लेता हूँ, अभी यहाँ पे बोलता है फेन लगाया, अंदरी बात है कुछ बोलने के लिए। जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अभी मेडिकल जा रहा हूँ, तो थोड़ा मेडिकल में काम है मेरा, मैं अभी इंजन खोल के आया ऑटो का, तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ मेडिकल जा रहा हूँ। अभी इन भाई का भी थोड़ा परिचय, उनके भगवान भी मेरे पहचान के हैं, वो अपने मुँह जवानी बोले तो अच्छा रहेगा। आपका नाम? तप्पू भाई, मेरा नाम हिंदी में जरा बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा ये सारा दुनिया जितना जानते हो उतना बोलो, कुछ चलेगा। तप्पू भाई जान से वो अच्छा लगेगा, जोड़ी पहुंचा भाई है। हाँ, आप क्या करते हो वही बताओ जरा, अब क्या आपका बिजनेस क्या है, क्या काम करते हो? तो अभी बिजनेस है फास्ट फूड है। फास्ट फूड कहाँ पर, क्या थोड़ा? मेडिकल चक फास्ट फूड। पहले क्या करते थे आप? ऑटो चलाता है। हाँ, वो तो पहले बता दीजिए ना, तुम लोग ड्राइवर भाई मार देंगे। देखो कहीं मैं मैकेनिक के हिसाब से, आप ऑटो के हिसाब से, तो वो पहचान भी बताओ ना, खुल के बताओ ना। तप्पू भाई, ये एक यादगार रहेगा हकीकत दुनिया में, वो सब जानता है बस। हाँ, एक बार बोलेंगे तप्पू भाई जोड़ी कुआं अच्छा है, ऑटो वाला यहाँ पे बोलेगा, ड्राइवर मार देंगे भाई, तुम आपको पहचानते हैं बस, उनको बोल दीजिए आपका वीडियो देख रहे होंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो मेरा भाई, ऑटो ओडिशा ड्राइवर भाई संग हो। अरे ये मतलब है, एक बार में थोड़ा कुछ बोले, मतलब है तो अच्छा है ऑटो ना, आप मुझे मानी बोलेगा तो अच्छा रहेगा ना, दोस्तों के नजर अपना दोस्त भाई, मेरा पुराना दोस्ती है, पूरा अच्छा है, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी, चलो खुदा हाफिज। चलो हाँ ठीक, खुदा हाफिज। बहुत ही अच्छा लगा, देखिए इसको कहते हैं ब्लॉग, जो हर इंसान जब मैं स्टार्ट किया था रमजान महीने के 10वें रोजे में, तो मेरा कुछ औकात नहीं था, जितने की जहाँ जन्म लिया हूँ बस वही मेरे को पहचानते थे, अपने रिश्तेदार पहचानते, और जिसका गाड़ी काम करता था मैकेनिक के साथ, तो वो लोग मुझे पहचानते थे। जब से ये ब्लॉग चैनल खोला हूँ, यूट्यूब चैनल खोला हूँ, तब से आज तक मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है। यूट्यूब मेरे को इतना याद, इतना गारंटी है, पैसा आज नहीं तो कल आएगा, 100% आएगा, ये बात मुझे भरोसा है सबसे पहली बात। और दूसरी बात रह गई, एक वीडियो के सहारे आज हर लोगों में एक पहचान मेरा बन चुका है अभी तक को, तो उससे बड़ी दौलत और क्या मिलेगी। बस ऐसी प्यार आपका बना रहे हमारे साथ, और बस अच्छा लगा तो एक लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब ब्लॉगर, खुदा हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो दिल की बात इसलिए ये लगा, तो किसी को बुरा कहने से पहले अपने आप पे झाके, आप सही हो कि गलत हो, यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग ना खींचे, तो कुछ समाज के लिए, दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर बता रहा है, सुना रहा है, तो उसको थोड़ा अपना प्यार से देखते हो तो एक लाइक कर देने से आपका क्या जाता है, तो उसका जो मेहनत का फल उसको मिल जाएगा, इतना मेहनत कर रहा है तो आपका एक एक लाइक तो हमको आगे बढ़ाएगा ना। तो थोड़ा और एक बार बोलना चाहता हूँ अपने दोस्तों में, आपको वीडियो लगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक मेहनत का फल मुझे आप ज़रूर दिएगा एक लाइक करके। खुदा हाफिज़।